ना तेल में बिखरेंगे, ना तेल सोखेंगे, ना मुलायम पड़ेंगे। कुरकुरे करारे, अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता सूजी के शकरपारे आप सभी के बनेंगे इस बार। अब आटा, मैदा, ऐसी चीजों के शकरपारे तो हम खूब बनाते रहते हैं और आपने मेरे चैनल पर रेसिपीज देखी भी हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल बहुत बहुत खस्ता कुरकुरे करारे सूजी के शकरपारे। ऐसे कुछ सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी, ना तो आपके शकरपारे तेल में जाके बिखरेंगे, ना तेल सोखेंगे, ना मुलायम पड़ेंगे। घर में रखे बहुत ही कम सामान से आप ढेर सारे शकरपारे बना सकते हैं एकदम सस्ते में, जो घर के बच्चे और बड़े सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। त्योहार स्पेशल सुपर क्रिस्पी और खस्ता हलवाई स्टाइल सूजी के शकरपारे यानी शकरपाली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बर्तन, जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं ना, ऐसी आप कोई परात ले लीजिए। अब मेजरमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप लीजिए घर की इस तरह की एक कटोरी ले लीजिए मीडियम साइज की, तो आप पूरा माप इसी कटोरी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चाहे तो कोई चाय वाला कप ले लीजिए। तो इस कटोरी से मैंने ली है एक कटोरी बारीक वाली सूजी, फाइन सूजी होती है ना जिसे चिरौटी सूजी बोलते हैं, ये मैंने वो ली है। यदि आपके पास नॉर्मल वाली सूजी हो तो भी कोई परेशानी नहीं, मिक्सी में डालिए सूजी को, बस एक दो बार चला लीजिए, थोड़ी फाइन हो जाएगी यानी बारीक हो जाएगी। सूजी फाइन लेंगे ना तो उसका टेक्सचर एकदम ऐसा आएगा जैसे हलवाई वाले शकरपारे, और शकरपारे क्रिस्पी तो बनेंगे ही क्योंकि सूजी के हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ एक पिंच नमक। मीठी चीजों में थोड़ा सा नमक डालेंगे ना तो जो स्वाद है वो और ज्यादा इनहेंस होकर निकलता है। अब अपने शकरपारे को एकदम बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए, साथ के साथ उसे खस्ता बनाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप आटा, यानी जो कटोरी ली ना आपने उसी की 1/4। ऐसे बनके चलिए 5 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें आटा डालेंगे। सिंपल गेहूं का आटा डाल रही हूँ, कोई मैदा नहीं, कोई बेसन नहीं, कोई चावल का आटा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप चाहें तो आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हम बना रहे हैं बिना चाशनी वाले शकरपारे, क्योंकि चाशनी वाले शकरपारे ज्यादातर सबसे बन नहीं पाते हैं, हालांकि मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, तो ये बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम चीनी का पाउडर। चीनी लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, फाइन पाउडर कर लीजिए इस तरह से, यानी जो कटोरी ली ना उसी से ऐसा समझिए 1/4 कप के करीब मैंने चीनी का पाउडर लिया है, जो कि आधी कटोरी से थोड़ा कम है। तो चीनी का पाउडर भी यहाँ पर डाल देंगे। अब जो आपको यहाँ पे जरूरी चीज याद रखनी है वो ये कि जो हमने चीनी का पाउडर लिया है ना, तो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच चीनी का पाउडर और ज्यादा ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच कम भी लिया जा सकता है। अक्सर यही गलती हम कर देते हैं जब हम बोलते हैं कि शकरपारे तो बिखर गए तेल में, या तो हमारे शकरपारे में मोइन यानी घी की मात्रा ज्यादा हो जाती है या फिर चीनी की, तब शकरपारे बिखरते हैं। लेकिन बिल्कुल इस रेशो से लेंगे तो कभी नहीं बिखरेंगे। अब यहीं पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे शकरपाली में। सारे ही टिप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ जिससे कि इस बार जो भी कोई मेरी रेसिपी देखकर शकरपारा बनाए एक ही बार में परफेक्ट बने और खाने वाले आपकी तारीफ करें। अब यहाँ पर हम डालेंगे शकरपारे को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए मोइन। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप घी। घी को हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लिया है। 1/3 का अर्थ हुआ 6 बड़े चम्मच। तो जैसे कि भी आप देख सकते हैं इतना हमें इसमें घी डालना होगा। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा डालिए, मिक्स कीजिए। हम मिलाते जाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें मोइन कितना रखना है। ये देखिए इस तरह से ना मसल कर डालिए, इस तरह आपको थोड़ा क्रम्बली लगेगा आटा, यानी जब आप इस तरह मुट्ठी बांधेंगे तो देखिए बंद रहा है। अगर बिखरे तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ घी डाला, आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये वो जरूरी की पॉइंट है जहां से आपके शकरपारे या तो सख्त हो जाएंगे या फिर जबरदस्त क्रिस्पी लेयर्ड वाले बनेंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ शकरपारों को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, बिल्कुल बाजार जैसा उसमें खस्तापन और टेस्ट आए, 1/2 कटोरी यानी 1/2 कप दूध। तो यहाँ पर मैंने हल्का गर्म दूध लिया है, एकदम से ठंडा दूध मत लीजिएगा, हल्का गर्म हम यहाँ दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हल्का सा नरम आटा लगाएंगे, न बहुत ज्यादा सख्त न बहुत ज्यादा मुलायम। अगर आप ज्यादा सख्त आटा लगा देंगे तो जो शकरपारे हैं वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा मुलायम लगा देंगे तो वो तेल सोख लेंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गेहूं के आटे के शकरपारे, चाशनी वाले शकरपारे और दूध वाले मैदा के शकरपारे सभी शेयर किए हैं। वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं शकरपारे को। ये देखिए इस तरह का हल्का सा सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया है
अच्छा जैसे ये मैंने दूध से आटा लगाया, आप चाहें तो इसको पानी से भी गूंथ सकते हैं। तो इसको रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट पर, जिससे कि जो सूजी है वो बढ़िया से सभी चीजों को अब्सॉर्ब कर ले और शक्करपारे बढ़िया बने। 10-12 मिनट हो गए हैं तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए एकदम बढ़िया से आटा हमारा तैयार है। एक बार और हाथ से मसल लेंगे और एक सार कर लेंगे। होली हो या दिवाली, शक्करपारा एक ऐसी चीज है, बनता ही बनता है ज्यादातर सभी घरों में। तो ये जो तरीका है ये ज्यादा टेस्टी भी बनेगा, आसान भी है, रिजल्ट आपको बिल्कुल नो फेल वाला आएगा। अब आटे को करेंगे 2 भाग में डिवाइड। पहले एक पोर्शन लेंगे और लोई बना लेंगे हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और लोई को रखेंगे चकले पर या प्लेटफॉर्म पर और इसको मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला मत बेलिएगा ना बहुत ज्यादा मोटा, मीडियम, जैसे हलवाई के शक्करपारे वगैरह होते हैं ना बिल्कुल उस थिकनेस का। इस तरह से ये देखिए इतना मोटा हमें बेलना है, परफेक्ट। बस तो ये वाला ना मेरे पास ये गुजिया कटर था जिसमें ये शेप होती है, तो मैं इससे काट रही हूँ। यदि ना हो तो सिंपल आप चाकू से प्लेन भी कट कर सकते हैं डायमंड शेप में। तो बस इस तरह से काटेंगे तो जो उसकी लुकिंग है ना एकदम बढ़िया सी आ जाएगी। तो होली पर जब आप सर्व करेंगे मेहमानों को तो देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। पहले यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और फिर यहाँ से, ना बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत ज्यादा छोटे, इस तरह, परफेक्ट। अच्छा साइड के जो थोड़े से ये इस तरह से अनइवन से लग रहे हैं ना, इनको आप हटा लीजिए, वापस आटे में मिला दीजिए, फिर से बना लेंगे। तो बस इस तरह से बेल करके सारे पहले तैयार कर लेंगे और एक प्लेट पर रख लेंगे। बहुत से लोगों को चाशनी वाले शक्करपारे बनाना थोड़ा कठिन लगता है, तो ये बहुत ही आसान भी है और इसमें मतलब मैदा आटा उसका भी कोई जरूरत नहीं है। लीजिए तो मैंने सारे ही शक्करपारे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। पहले आपको तेल को बढ़िया गर्म करना है, सबसे जरूरी पॉइंट, ना तो बहुत ठंडे तेल में आप फ्राई करेंगे शक्करपारों को ना बहुत ज्यादा गर्म में। और इस तरह से बस शक्करपारे आप डालते जाएं, जितने एक बार के बैच में आ सकते हैं उस हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं ना एकदम से शक्करपारा डालते ही ऊपर नहीं आ रहा है, हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, इतना गर्म हमारा तेल होना चाहिए। यही बहुत बहुत जरूरी है शक्करपारों को अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसा खस्ता क्रिस्पी और वो लेयर्ड वाला बनाना है। ज्यादा तेज में फ्राई करेंगे शक्करपारे ऊपर से लाल हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और बिल्कुल ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो सारे शक्करपारे तेल पी लेंगे। धीरे धीरे करके आप देखेंगे शक्करपारे ऊपर आने लगेंगे और बस एक चम्मच से इनको थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर शक्करपारों को आराम आराम से हम फ्राई करेंगे, जिससे जो शक्करपारे वो हमारे ज्यादा बढ़िया और खस्ता बने और अंदर तक सिक जाएं। और ये देखिए बहुत प्यारा हमारे शक्करपारे में कलर आ गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। यहाँ ना हम बहुत ज्यादा इनको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि शक्करपारे निकालते निकालते वक्त तक भी रंग पकड़ लेते हैं, क्योंकि गर्माई होती है ना तो उससे रंग आ जाता है। तो हल्का गोल्डन होने के बाद बस इस तरह हम निकाल लेंगे। और ये सुनिए आवाज, अभी तो गर्म है तो आप जब छुएंगे तो हल्के मुलायम लगेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे वैसे ये और क्रिस्पी हो जाएंगे, परफेक्ट। और ये देखिए हल्के से ठंडे होते आप शक्करपारों की आवाज सुन सकते हैं, एकदम बने हैं ना कुरकुरे करारे और खस्ता, टेस्ट में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये देखिए इनका क्रिस्प, अंदर तक एकदम परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी। बस इसी तरह हम सेकंड बैच के भी शक्करपारे सारे फ्राई कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स यही बोलूंगी, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बनाना कर दिया है मैंने आपके लिए बहुत ही आसान, परफेक्ट माप बताया है मैंने, एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल नहीं बिखरेंगे तेल में और ना तेल अब्सॉर्ब करेंगे और ना मुलायम पड़ेंगे। और बस इस तरह बना करके आप इन्हें स्टोर कर लीजिए, आराम से ये 1.5-2 महीने चल जाते हैं अगर बच जाए तो, क्योंकि इनका टेस्ट ही ऐसा है कि बचेंगे ही नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये 100% परफेक्ट सूजी शक्करपारे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।